एपिसोड 68 फूलों का गुलदस्ता। कार्ड पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन दीदी जानती थी कि ये गुलदस्ता किसने भेजा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था जो विधि को तितली कहकर बुलाता था। उसने विधि से पहले भी कहा था कि वो तितली की तरह है। जब वो मिले तब विधि कैटरपिलर थी और धीरे धीरे उसके गार्डन में बड़ी हो गई। वो बोला कि वो तितलियों का ख्याल रखने वाला जैसा है और उन तितलियों को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। उस टाइम ये बात सुनकर विधि को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो भूल गई थी कि गार्डन में सिर्फ एक तितली नहीं होती है। सनफ्लावर का गुलदस्ता वहीं जमीन पर गिरा और विधि उस गुलदस्ते को सोफे पर बैठकर देखती रही। वो सोचने लगी कि कहीं आरफ कपूर को उसकी आइडेंटिटी का पता तो नहीं चल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी आत्मा का दूसरे शरीर में जन्म लेना बहुत मुश्किल था और कोई भी इन सब बातों में ध्यान नहीं देता। वैसे भी अगर उसको पता चल जाता कि विदुषी के अंदर विधि की आत्मा है, तो वो उसके लिए सिर्फ गुलदस्ता नहीं भेजता, बल्कि वो खुद उसको ढूंढने आ जाता। विधि लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो अपने आप ही जवाब ढूंढने लगी। शायद आरफ कपूर ने मुझे अपना नया शिकार सोच लिया होगा। वो शायद मुझे अपनी नई तितली बनाना चाहता हो। ये सोचकर विधि का दिल टूट गया। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और अपने बेडरूम में वापस चली गई। वो बेड पर बिना हिले डुले लेटी रही। धीरे धीरे टाइम गुजरता रहा और सुबह का सूरज शाम में बदल गया। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन विधि को ना ही कुछ दिख रहा था ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। वो अपने ख्यालों में कहीं दूर जा चुकी थी और अपनी उदासी को कम नहीं कर पा रही थी। वहां दरवाजे की घंटी जोर से बजती रही। थोड़ी देर बाद विधि को ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने गेट खोला और बंद किया हो। मोहित वहां कमरे में आया और उसने विधि को सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड पर लेटे हुए देखा। वो विधि को देखकर अलर्ट हो गया। विधि बेड पर किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह पड़ी हुई थी। वो मोहित के आने पर भी अपनी जगह से नहीं हिली। विदुषी, मोहित को पहली बार ऐसी घबराहट हुई। विदुषी, बताओ मुझे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मोहित उसके पास गया और बेड की साइड में उसका हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गया। विदुषी, तुम्हें क्या हो गया है? मोहित की घबराहट उसकी आवाज में सुनाई दे रही थी। मेरी तरफ देखो विदुषी, मेरी तरफ देखो, कुछ बात करो मुझसे, कुछ तो कहो। हालांकि विधि वहाँ बिना हिले लेटी रही और अपने दिमाग में कहीं खोई हुई दीवार को देखती रही। मोहित उसके हाथों को अपने हाथों से रब करने लगा। विदुषी, वेक अप, प्लीज उठो। जैसे ही मोहित ने उसे हिलाया, वो वापस अपने होश में आ गई और उसने अपने चेहरे के सामने मोहित का हैंडसम चेहरा देखा। मोहित परेशान दिख रहा था। रूम की डिम लाइट के अंदर मोहित की आंखें साफ दिख रही थी। उसकी आंखों का ग्रीन कलर अपने अंदर बहुत से इमोशन ले आया था। वो विधि को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो किसी खोए हुए खजाने को देख रहा हो। विदुषी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे डराना बंद करो। मोहित की आवाज में बदलाव आया और अब उसकी आवाज प्यार और चिंता से भरी हुई थी। वो विधि को अपने साथ सेफ महसूस कराना चाहता था। विधि उसको तब तक देखती रही जब तक उसके मन में उसका उदासी भरा पास्ट गायब नहीं हो गया। विधि ने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज बैठ गई थी। मैं ठीक हूँ। मोहित ने राहत की सांस ली। विधि ने अपना हाथ मोहित के हाथों से निकाला और अपनी जगह पर बैठ गई। मोहित नजरें झुकाकर अपने खाली हाथ को देखने लगा और फिर उसने नजरें फिर से ऊपर उठाई। वो अपने चेहरे पर प्लेफुल एक्सप्रेशन ले आया। तुम ठीक हो? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मोहित अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर बोला, ब्यूटी, क्या तुम हर कुछ दिनों में ऐसे कहीं खो जाती हो? तुम अभी कुछ दिन पहले सीसीटीवी कैमरा की बात सुनकर भी ऐसी ही हो गई थी। आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम ही कुछ ज्यादा सोचते हो। विधि ने उसे हल्के से डांट दिया। मोहित खांसते हुए बोला, हाँ हाँ, अब तुम मुझे डांट सकती हो, ऐसा लगता है कि तुम रिकवर करने लगी। मोहित मुस्कुराया और आगे बोला, लेट मी गेस, इस बार तुम्हें उस सनफ्लावर के गुलदस्ते से कोई दिक्कत हुई होगी जो सोफे के पास जमीन पर पड़ा है। मोहित ने बस यूं ही बोल दिया, लेकिन उसकी आंखें विधि पर जमी हुई थी और वो देखना चाहता था कि विधि कैसे रिएक्ट करेगी। विधि ने जल्दी से उसके सवाल का जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधि की आंखों में मोहित ने अपना चेहरा देखा। एकदम से उन दोनों ने एक दूसरे को झूठी स्माइल पास की और मोहित बोला, अगर तुम बोल रही हो तो मैं मान लेता हूँ। वो विधि के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको विधि की बात पर भरोसा हो गया।
वो जानता था विधि फिर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब चीजों का पता लगाने के लिए मोहित के पास और भी कई रास्ते थे। आखिर मोहित उसके बारे में हर चीज जानना चाहता था। ओ हाँ, मोहित ने विधि को कुछ पकड़ाया। तुम्हारा फोन, तुम यहाँ बेड पर पूरे दिन से लेटी हुई हो, राइट? अनिरुद्ध तुम्हें ढूंढ रहा था और शायद उसने तुम्हें कई बार फोन भी किया, लेकिन तुमने उसके फोन का जवाब ही नहीं दिया, इसलिए उसने तुम्हें ढूंढने के लिए मेघना और तरुण की मदद ली। उसने तो मुझे तब बताया जब मेघना और तरुण भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। अगर अनिरुद्ध मदद के लिए मोहित के पास नहीं आता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि आज विधि एबनॉर्मली बिहेव कर रही थी। विधि का दिमाग अभी भी धीरे चल रहा था, वो मुझे क्यों ढूंढ रहा था? जवाब देते हुए मोहित की आंखों में चमक आ गई। तुमसे ही सॉन्ग हिट होने लगा है, हमने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अनिरुद्ध चाहता है कि तुम दो और प्रमोशनल वीडियोस शूट करो और इस बारे में वो तुम्हारी राय चाहता है। हालांकि मोहित ने विधि की तरफ देखा, तुम्हारी करंट कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो तुमसे इसीलिए गुस्सा है क्योंकि वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, और अगर उसे पता चल गया कि तुम... विधि समझ गई कि मोहित को डर था कहीं अनिरुद्ध उसे धोखा न दे दे। तभी विधि का फोन फिर से बजने लगा और मोहित की बात अधूरी रह गई। विधि ने मोहित के हाथ से फोन लिया और फोन की स्क्रीन पर अनिरुद्ध का नाम पढ़ा। बेशक वो अनिरुद्ध के गुस्से के लिए मेंटली प्रिपेयर थी, लेकिन जैसे ही विधि ने अनिरुद्ध को चिल्लाते हुए सुना वो डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि अनिरुद्ध उसको फोन में से ही कच्चा चबा जाएगा। विधि ने अपने कांपते हाथों से फोन को दूर फेंक दिया। विधि को ऐसा करता देख मोहित ने मुस्कुराकर अपने पैरों को आपस में क्रॉस कर लिया और कंफर्टेबल होकर बैठ गया। फोन की दूसरी तरफ अनिरुद्ध अभी भी लाइन पर था और ये विधि पर लगातार चिल्लाए जा रहा था, विदुषी कुछ तो बोलो। विधि में अनिरुद्ध से बात करने की हिम्मत नहीं थी और वो बस बैठकर फोन को देख रही थी। अनिरुद्ध का गुस्सा बढ़ता गया और वो बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कहीं तुम मर तो नहीं गई? विधि अपनी जगह बैठे हुए फोन उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो अनिरुद्ध की डांट नहीं सुनना चाहती थी। विधि के फोन उठाने से पहले मोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फोन को बैठ के कोने से उठाकर बोला, हेलो अनिरुद्ध। फोन की दूसरी तरफ अनिरुद्ध जवाब देने से पहले कुछ बोलने के लिए हैरान रह गया। बॉस, अनिरुद्ध ने मोहित से पूछा कि वो विधि के यहाँ क्या कर रहा है। बेशक इस बात का अनिरुद्ध को अंदाजा था कि विधि मोहित सर के अपार्टमेंट में रह रही है। मैं मोहित बोल रहा हूँ। मोहित की आवाज में मजाकियापन था। तुम्हारी डांट सुनने के बाद कोई तुम्हारा फोन उठाने से भी डर रहा है। एक काम करो, तुम मुझे बता दो और मैं तुम्हारा मैसेज पास कर दूंगा, अनिरुद्ध ने पूछा। क्या विदुषी ठीक है? मोहित ने जवाब देने से पहले विधि की तरफ देखा और आगे बोला, हाँ वो अभी तक जिंदा है, लेकिन उसे जुकाम हो गया है और वो पूरा दिन घर पर ही लेटी रही। विधि चुप रही, उसे कब से जुकाम हो गया था? विधि के सामने बैठा हुआ आदमी उसके बारे में उसी के सामने झूठ बोल रहा था। हालांकि एक अच्छा बहाना था उसकी सिचुएशन को संभालने का। वो अनिरुद्ध को अपनी सिचुएशन को लेकर कुछ नहीं बोल सकती थी। लकीली मोहित ने अपनी तरफ से झूठ बनाकर बोल दिया। अनिरुद्ध शांत हुआ और बोला, अगर वो ठीक है तो। लेकिन एकदम से अनिरुद्ध की आवाज में अर्जेंसी दिखी। नहीं, वो ठीक होगी, लेकिन मैं नहीं। वो बिना बताए छोटे से जुकाम की वजह से रिकॉर्डिंग स्टूडियो आना कैसे स्किप कर सकती है। मैंने उसी की वजह से अपना सारा शेड्यूल क्लियर किया था और यहाँ सुबह से बैठकर उसका वेट कर रहा हूँ। वो अपने आप को। मोहित ने फोन साइड में रखा और अपने बैठने की पोजीशन चेंज की। कुछ पलों बाद मोहित ने वापस फोन को कान पर लगाया और बोला, अगर तुम्हें कुछ और बोलना है तो बता दो, वरना मैं फोन काट रहा हूँ। नहीं, अनिरुद्ध ऐसे बोला जैसे वो अपनी बैठी हुई जगह से खड़ा हो गया हो। विदुषी को फोन दो, मुझे उससे प्रोमो फिल्म को लेकर नया आइडिया शेयर करना है।